सुन रही हूँ कि काफी ज्यादा उधर हरी कृष्णा कोई फेस्टिवल भी चल रहा है यूएसए के अंदर भी, इस तरह का कोई वो आई थिंक सो फेस्टिवल ही कह सकते हैं जो भी आपकी जुबान उधर कहते Hi Krishna, today is very special day in the year. It's Janmashtami. It's day of birth of the God who is eternal. हिंदू मत से पुराना तो नहीं है, हिंदू मत तो, हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मजाहब में से। तो चाहे जिस किस्म का केस हो उसको गैर मुस्लिम को उसका हक मिलना चाहिए, मुसलमान को ज्यादा हक नहीं मिलना चाहिए, ये इस्लाम का हुक्म है। और जन्माष्टमी जैसे मैंने पहले भी कहा एक मेरा बहुत फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि मैं आठवीं पीढ़ी मजहबी सनातनी एंड वी आर टोल्ड दिस, और इसमें क्यों क्यों आपको शर्माना है या आपको क्यों सच छुपाना है? एंड इस्लाम इज कंपैरेटिवली अ न्यू रिलीजन, ऑल ऑफ देम आर कन्वर्टेड। हिंदू है देखो ना, सब मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया। आपको एक चीज पता चलती है कि प्रैक्टिकल हिंदू और नाम के मुसलमान में फर्क कहते हैं। ये फेस्टिवल फेवरेट होने की वजह क्या है? I have a very special place in my heart for Lord Krishna. मैंने पहले भी कहा था। और अच्छी बात उनकी है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीदम। बिल्कुल, ये बहुत आपने वो मतलब क्या कहते हैं ना बेनिफिट वाली बात बताई है कि हम लोग ईमान पे पुख्ता यकीन रखते हैं, हम डगमगा जाते हैं। हाँ, तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है, वो सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे बिल्कुल वो पूरा होगा और यकीनन हो जाता है उनके बाद। जय हिंद दोस्तों, आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के इस अवसर पे आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, हंसता रहे। दोस्तों जन्माष्टमी इंडिया और भारत में तो धूमधाम से मनाया जाएगा, नो डाउट, अभी से ही मनाना कुछ लोगों ने शुरू भी कर दिया। लेकिन दोस्तों जन्माष्टमी अभी से अदर कंट्रीज में भी सेलिब्रेट होने लगी है, खास करके यूएसए एंड यूरोपियन वर्ल्ड में। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो यूएसए और यूरोपियन वर्ल्ड है वहां पे अगर किसी हिंदू भगवान की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है तो वो कृष्ण जी है। कृष्ण जी पूरे अमेरिका में, पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा फेमस है, वहाँ हरे कृष्णा हरे रामा के नारे भी लगते हैं, ठीक है, और कृष्ण जी की मूर्तियां भी आप लोगों को जनरली यूरोपियन घरों और अमेरिकन घरों में मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि यार वैसे तो सभी भगवान सेम है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, बट हाँ भगवान कृष्ण को वो मानते हैं भाई, उनका अपना मानना है, सनातन से जुड़े हैं कैसे भी जुड़े हैं। तो भाई इस बार जो जन्माष्टमी की ये अवसर है इस पर यार बहुत धूमधाम से पूरे अमेरिका के जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं, यूरोपियन जो इस्कॉन टेम्पल है और दुनिया भर के जो इस्कॉन टेम्पल है वहां पे अभी से जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के विजुअल्स आने शुरू। उनकी सिविल सोसाइटी बड़ी मुतहरिक है और उनकी बातें सुन के और ये मजहब के वाले से ये खूबसूरत चीजें देख के कि वहां पे वो गले लगा रहे हैं। मुस्लिम अगर फॉर एग्जाम्पल के आपके घर में कुछ आपके साथ खाना खाना जायज है या उसके साथ चलना फिरना जायज है या क्या जायज है, अब फॉर एग्जाम्पल के अगर आपको हिंदू एक कहता कि भाई अब मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, मैं बड़ा मतलब के मैं आपके पास आया हूँ, मुझे पना चाहिए, देंगे आप? बिल्कुल, मुसलमान और हिंदू जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल का मुजरिम ना हो तो उसको पना देना बिल्कुल ही हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम होने से ही मुराद है कि कोई अल्लाह रसूल कुरान और सहाबा की तोहीन करे फिर कहे कि मुझे अमन दो, तो ये अगर मुसलमान करे उसको भी नहीं मिलेगा और हिंदू या गैर मुस्लिम करे उसको भी नहीं मिलेगा। मतलब कि आप कहना चाहते हैं पहले नंबर पर इंसानियत है, जब तक आप किसी इंसान के मजहब को ठोस नहीं पहुँचाते, किसी इंसान के खुदा को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो इरशाद है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किसी के खुदा को बुरा ना कहो एवस वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहे, जब तक वो बंदा तुम्हारे खुदा को बुरा नहीं कहे तब तक मतलब कि उसके साथ एक मुसलमान भी हर किस्म के काम कर सकता है, उसके साथ बैठ सकता है, उठ सकता है, उसको पनाह भी दे सकता है, क्या ख्याल है? बिल्कुल, असल बात यह कि ये जो आपने फरमाया ये कुरान की आयत है कि किसी के खुदा को बुरा ना कहो वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेगा। दूसरी बात यह कि इंसानी तौर पर हम सब बराबर हैं, हमें कोई तफरीक नहीं है, काले को सफ़ेद पर और अरबी को आजमी पर कोई फोकत नहीं है। हाँ, इस्लाम ने जो इज्जत दी है वो इस्लाम के पर अमल करने की वजह से, अगर कोई मुसलमान इस्लाम पर अमल करता है तो अल्लाह ने उसको एक इज्जत दी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो किसी दूसरे की हक तलफी करेगा। अच्छा, बहुत सारी खबरें ये आती हैं कि हिंदू समझते हैं कि मुसलमान ऐवें चढ़ दौड़ते हैं, अगर जब आप क्या ये क्या वजह है कि अगर मुसलमान लड़े, मुसलमान किसी के लड़े तो कहते हैं कि ये मुसलमान लड़ा, जब हिंदू लड़े तो वो कहते हैं कि भाई ये फिलानी बंदा लड़ा, ये क्या वजह है? देखें, असल में इस्लाम का रास्ता बंद करने के लिए बैनुल अक्वामी साजिश ये है कि इस्लाम को बदनाम करो, और आपको पता है कि बद से बदनाम बुरा होता है, तो इसलिए जो असल बुराइयों की और जराइम की जड़ है उस पर तो कोई बात नहीं करता,
और मुसलमान को और कुरान को और इस्लाम वालों को बदनाम करने के लिए मामूली सी बात को ना इशू बना दें। दूसरी बात ये कि जहाँ तक आपने पूछा कि हिंदू ये समझ दें, तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देता, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने तो आम चरिन परिन के और ऊँटों के और घोड़ों के और जो हैवानात हैं उनके हकूक़ भी बयान फरमाए कि उन पे जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा लादना नहीं है, उनको थकाना नहीं है, उनको खुराक पूरी देनी है। तो जब जानवरों के बारे में हमारा दीन ये कहता है तो हम कैसे एक इंसान को जो ना तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं या उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। यही निकले हुए मज़हब है, ये तो इसी धरती से जो कि हिंदुस्तान है यहीं से निकले। ओके, क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है या इस्लाम बाहर से आया है, लेकिन जैन मत तो यहीं से है, हिंदू मत भी यहीं से है। हिंदू मत की तो हजारों साल पुरानी, अब कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है उनकी, लेकिन मैं उसमें ज्यादा बात भी नहीं करूंगा। लेकिन ये कि वो मतलब है कि वो कहीं लिखी हुई हिस्ट्री नजर नहीं आती, हिस्ट्री के कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। बाद में जाहिर देवता हैं, शिव जी हैं और राम जी हैं, बाकी उनके देवता, लेकिन वो जो स्टार्ट कैसे होता है वो फिर हमें वो एग्जैक्ट जो है वो हजारों साल पुराना इतना हमें पता है, इतना इल्म है। लेकिन उसके बाद ये है कि जो जैन मत है या जो सिख मत है उसका तो, या जो बुद्ध मत है, तो ये तो प्योरली वहां के हिंदुस्तान के ही मजाहिब है ना। मतलब और हिंदू मत के बहुत बाद आए, ये तो चंद सौ साल पुराने हैं। यानी जो जैन मत है वो तो सिख मत के साथ ही है, सॉरी बुद्ध मत के साथ आए, ठीक है। यानी 10 साल का फर्क था गौतम बुद्ध में और महात्मा, गौतम बुद्ध महात्मा तो इज्जत से कहते हैं जाहिर है, और सिद्धार्थ उनका नाम और गौतम बुद्ध, तो 10 साल का फर्क है उनके दरमियान और महावीर जी के दरमियान। महावीर जी वो हैं जो कि जैन मत के हैं। अच्छा, जैन मत और हिंदू मत में फर्क बड़ा मामूली सा फर्क है। आप हिंदुइज्म, हिंदू मत एक सैकड़ों साल, हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मजाहब में से एक है। ये हिंदू मजहब अलग है, हिंदुत्व अलग है बिल्कुल जी। मतलब हिंदुत्व जो है ना, ये तो जो है ये एक बिल्कुल आप समझ लें। नमस्कार, नमस्कार, ओम श्री गणेशाय नमः, जय श्री राम। सबसे पहले जब कहा जाता है या आप जो प्रोग्राम करते हैं, अब तो इतना आ रहे हम, अगर देखा जाए बैनुल मजाहिब या हर मजहब की इज्जत जो अब हम यहाँ कर रहे हैं, इंटरफेथ वगैरह जो भी नाम देखे, अगर इसकी बुनियाद देखी जाए तो आज 20वां रमजान जब फतेह मक्का हुआ तो उसी वक्त रख दी गई थी कि तमाम मजाहब जितने भी मसलक थे सबको मतलब अपनी अपनी आज़ादी दे दी गई और हर की रिस्पेक्ट रखी गई, तो उसी वक्त ये चीज़ कर दी गई थी। लेकिन इसमें एक बात है कि जैसे अब हमारे मजहब के साथ शराब को अलाव कर दिया गया, भाई इनके मजहब में तो अलाव है, हालांकि नहीं है। मैं गोस्वामी विजयगिर महाराज यहाँ से मैं ऐलान कर रहा हूँ कि हमारे सनातन धर्म में नहीं, ना ही क्रिश्चियन में, ना ही सिखों में, ये हमारे में एक थोप दिया गया है और हम हमारे ही नाम से किए जा रहे हैं। तो ये हम तो वाइन के नाम पे किया जा रहा है वाइन जो भी है, तो ये मतलब ने तो ये शराबों के पीपे तोड़ दिए थे उठा कर, और इसको चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छे अच्छे मतलब फैसले, लेकिन होता क्या ये बता देना साथ साथ कि नाम आपका इस्तेमाल किया जाता है हमारे नाम से, शराब लेते मुसलमान, आप यकीन करें। यानी लोग हरे कृष्णा हरे रामा के नारे लगा रहे, भगवान कृष्ण का जयकारा कर रहे हैं, और यह दिखाता है कि यार दुनिया कैसे धीरे धीरे सनातन धर्म को समझ रही है। आप दुनिया का कोई भी धर्म उठा लो, ठीक है, सबकी उत्पत्ति सनातन से हुई है, यह हिस्टोरिकल प्रूवन है। एवरी जितने भी आप लोग अगर धार्मिक ग्रंथ उठा के पढ़ेंगे तो आप लोगों को मिलेगा कि यार सनातन से पुराना कोई धर्म ही नहीं है, और एक्चुअली में सिर्फ धर्म सनातन ही है, और तो सब क्या है आप लोगों को पता ही है, कोई 400 साल कोई 1400 साल पुराना है, और सनातन की तो मतलब जड़ें ही आप लोगों को पता नहीं चलेंगी कितनी साल पुराने, खत्म हो जाएंगे लेकिन सनातन का अंत नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो यार जन्माष्टमी तो अभी ट्रेलर है, इससे पहले रक्षाबंधन भी मनाया गया बड़े धूमधाम से, और दीपावली भी बहुत धूमधाम से मनाई गई थी, होली भी बहुत तरीके से मनाई गई थी पूरे दुनिया में, और जैसे ही जैसे आप हिंदूस यानी इंडिया और भारत के सनातन के त्यौहार आ रहे हैं, और वैसे वैसे दुनिया से विजुअल्स आ रहे हैं कि धीरे धीरे लोग सनातन धर्म को समझ रहे हैं, उसको अपना रहे, क्योंकि यार सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो पीस की बात करता है, प्यार मोहब्बत की बात करता है, मारना काटने की बात इसमें होती नहीं। मारने काटने की बात हमारे सनातन में तभी आती है जब हम पे कोई हमला करता है या हमें कोई मारता है,
उससे पहले सनातन कभी नहीं कहता कि हम एक दूसरे से नफरत करें। इवन तो हमारे सनातन धर्म में यह भी बताया जाता है कि हमें शत्रुओं को भी माफ कर देना चाहिए। ऐसा कोई धर्म होगा? आप ही लोग बताओ कि कोई धर्म होगा कि हम अपने शत्रुओं को भी माफ कर दें? ऐसी शिक्षा देता हूँ यार, यही तो ब्यूटी ऑफ हमारा सनातन धर्म है, इसीलिए दुनिया इससे जुड़ रही है। और आज 10% जनता जुड़ी है, आने वाले फ्यूचर पूरा सनातन के लिए ही ओपन है, क्योंकि जिस तरीके से सनातन त्यौहार इस दुनिया में अपनाए जा रहे हैं घर घर में, और सिर्फ भारत के घर घर में नहीं, दुनिया के घर घर में, अब लग रहा है कि यार पूरा विश्व सनातन के रंग में रंग जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।